बादली हल्के से जेजेपी प्रत्याशी संजय कबलाना आज लाड़पुर गांव पहुंचे तो मानो उनका मुख्यमंत्री गांव में पहुंचा हो। इतना भव्य स्वागत आज तक किसी भी नेता का नहीं हुआ है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो हमने देखा है, हम आपको भी वो दृश्य दिखाना चाहते हैं जिससे विरोधी खेमे में हलचल मचना लगभग तय है। जेजेपी पार्टी जब बनी तो लोग उसे कमजोर आंक रहे थे और उन्होंने जब विधानसभा लड़ने की बात कही तो उन्हें लोग बच्चा पार्टी कहती रही, लेकिन ये बच्चा पार्टी कब से जवान हुई, जवान से बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और ये काफला कारवां बल गया। लोगों के बीच से रास्ता निकालते हुए एक कोने पर जाकर खड़ी होकर सारा हरियाणा अपने साथ कर लिया और लोगों में इस पार्टी की अलग ही पहचान देखने को मिली। आज हम आपको बादली हल्के के जेजेपी प्रत्याशी संजय कबलाना के काफिले से रूबरू कराते हैं। संजय कबलाना जब लाड़पुर गाँव पहुँचे तो वहाँ पर कई किलोमीटर दूर उन्हें कंधे पर बैठा कर अपने नेता को पूरे गाँव में घुमाया गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं युवा चाहते हैं कि उनके नेता को वो जमीन पर ना टिकने दे, लेकिन संजय कबलाना एक जमीनी नेता हैं और जमीनी स्तर से जुड़े हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और तह दिल से शुक्रिया किया कि आप लोगों का ये जो जन समर्थन है ये वोट में जब तब्दील होगा तो बादली हल्के का विकास होगा और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, विकास की जो गति है उसको रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, अब की बार सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने बाहरी के शब्द को भी कहा कि अब मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं इसी गांव का हूँ। लोगों ने भी उन्हें संजय कबलाना लाड़पुर के नाम से एक नया नाम दे दिया। उन्होंने कहा, आपको अब संजय कबलाना बाहरी नहीं कहेंगे, आप लाड़पुर के हैं, लाड़पुर के बेटे हैं, लाड़पुर के ही लोग आपके साथ खड़े हैं, ये आपका अपना गाँव है। इससे गदगद होकर संजय कबलाना ने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मीडिया से रूबरू होते हुए संजय कबलाना ने कहा, युवाओं में जोश है उससे साफ हो गया है जेजेपी एक तरफा हरियाणा में आ रही है, चौधरी दुष्यंत चौटाला हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। युवा के साथ साथ उनको हरियाणा का विकास करने का एक अनोखा अंदाज भी है। उन्होंने सांसद रहते हुए हरियाणा के मुद्दे उठाए हैं। आपके और जो सांसद थे गुमसुम बैठकर हरियाणा का सिर्फ मजाक बनाते थे, लेकिन अब की बार दुष्यंत चौटाला सरकार बनाएंगे और आपका भाई आपकी पगड़ी और आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देगा। दिन प्रतिदिन आपका भी काफला बढ़ता ही जा रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा किसी के लिए। काफला मैं तो ये बताता हूँ, मैं इस बादली क्षेत्र की बहादुर जनता ने, मेरे को गोद ले लिया, पूरी बादली क्षेत्र की जनता नलके की। और इस गुड़िया खाप ने मेरे को आदेश कराया तीसरे ने कि इस कबलाने का हटाओ और संजय गुड़िया लाड पर लिखवाओ, ठीक है। तो इस जनता ने फैसला कर लिया पत्रकार साथियों, अब की बार हरियाणा में दुष्यंत की सरकार और अब की बार बादली हल्के से संजय कबलाना संजय गुड़िया फाइनल कर दिया। अपना फैसला लोगों ने कर लिया है, जनता ने और मन बना लिया। ये पाँच दिन पहले चले जाएंगे, रेस्ट कर जाएंगे, पाँच दिन चुनाव के रह जाएंगे जब रेस्ट कर जाएंगे। आज से पहले कुछ समय पहले आपके पिताजी यहाँ के हल्के की बागडोर संभाल रखी थी, आज आपने संभाली है। ये मेरे पिताजी खड़े, सारे मेरे बुजुर्ग जितने खड़े हैं यहाँ, ये सब ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना, और ये जितने नौजवान साथी खड़े हैं ये सब संजय कबलाना। मैंने कोई पिताजी की कमी महसूस नहीं हो रही आज, मेरे तो पिताजी हजारों पिताजी खड़े हैं, मेरे माँ बाप खड़े हैं, मेरे को कमी महसूस आज तक लोगों ने होने नहीं दी, आपका पिताजी और ना कभी भाईचारे की कमी महसूस हुई। और मन बना लिया है, मैंने तो जिस दिन टिकट मिली ना उसी दिन इस जनता ने मन बना लिया था। ये जनता तो बाट में बैठी थी, बहादुर जनता इस बादली क्षेत्र की, इन्होंने तो उसी दिन मन बना लिया था जिस दिन इनके बेटे ने इसके भाई ने टिकट मिली। और धीरे 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 करके आपको और पता चल जाएगा। मेरे को तो लग रहा है कि करी मजदूरी परमात्मा की ही ना रखा करे, हर मजदूरी पे दे देगा मालिक, हर ये मालिक से सारे परमात्मा की देखा है, पर ये परमात्मा ही खड़े हैं, मेरा आदमी मैं हूँ परमात्मा, ठीक है ना। अब की बार इन फैसला कर लिया। बोल संजय भाई की। लाड़पुर से नीरज के साथ विजेंदर की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।